नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर में लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशंस को देखेंगे। स्टैक को जब हम बात कर रहे हैं कि लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले ये समझना होगा लिंक्ड लिस्ट है क्या चीज। तो लिंक्ड लिस्ट का क्या क्या पार्ट होते हैं, कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट में कैसे हम लोग इंसर्शन, डिलीट और डिस्प्ले वाले फंक्शंस कर सकते हैं, वो सबका एक प्रॉपर वीडियो सीरीज बना हुआ है। पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे आप पहले उनको जाकर देख लीजिए ताकि आपको इसको समझने में सहूलियत हो। अब स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन का बात कर रहे हैं, तो इससे पहले स्टैक का इंट्रोडक्शन होता, इंट्रोडक्शन के लिए और उसके पूरा डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो बना चुका है और उस वीडियो का पहले देख लीजिए तो स्टैक का भी एक आइडिया लग जाएगा। स्टैक को आज जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू, उससे पहले हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं एरे के थ्रू। तो पहले आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि स्टैक को किस तरीके से एरे से हम लोग इम्प्लीमेंट किए। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू। जब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करने का स्टैक को, तो हम लोग ये है कि स्टैक को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करके रखे हुए थे। स्टैक के अंदर में कुछ मेमोरी होते हैं, जिस मेमोरी के अंदर में हम लोग वैल्यूज डालते हैं और उसमें पुश और पॉप का ऑपरेशंस फ्रॉम अ वन एंड होता है। हम लोग एज्यूम किए कि ये ऊपर से मेरा इंसर्ट और डिलीट मतलब पुश और पॉप का ऑपरेशंस होगा, तो सारे वैल्यूज हम लोग एज अ एरे ही हम लोग मांगकर चल रहे हैं। पहले नीचे वाले स्लॉट में जीरो इंडेक्स में वैल्यू जाएगा, फिर फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब जो भी वैल्यूज जाएंगे वो नीचे बॉटम टू टॉप लेवल पर जाएंगे और जो भी वैल्यूज निकलेंगे फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल निकलेंगे, तभी तो वो लिफो का कंसेप्ट को क्लियर करेगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो जो मेरा स्टैक है वो स्टैक मेरा हॉरिजॉन्टली है और उसमें से क्या कर रहे हैं, पुश और पॉप का इंस्ट्रक्शंस हम लोग फ्रंट से कर रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग जब ओरिजिनली इसको बनाकर रखे हुए हैं तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं पुश और पॉप का ऑपरेशन आइदर दिस साइड से होगा या दिस साइड से होगा। मतलब क्या हो गया, क्या बताना चाह रहे हैं, आइदर हम लोग इंसर्शन और डिलीशन दिस एंड से कर सकते हैं या नहीं तो फिर दिस एंड से कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किधर से भी इंसर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग लिंक लिस्ट के ऊपर में बात करेंगे, तो जो वैल्यूज हम लोग यहाँ पर एरे के तौर पर मांगकर चल रहे थे वो लिस्ट के फॉर्म में होगा। तो लिस्ट के फॉर्म में होगा तो इसका मतलब ये चीज हो गया कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इंसर्ट का मतलब पुश का ऑपरेशंस और पॉप का ऑपरेशंस मेरे इस एंड से भी हो सकता है या नहीं तो फिर इस एंड से भी हो सकता है। तो अब डिपेंड करेगा कि हम लोग किस एंड से भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है अगर हम इस एंड से पुश का ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसी एंड से मेरा पॉप का ऑपरेशन भी होगा, अगर हम इस एंड से पुश का ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसी एंड से पॉप का ऑपरेशन होगा। मतलब कभी भी दो डिफरेंट एंड से पुश और पॉप का ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं पुश और पॉप के ऑपरेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं स्टैक के अंदर में जो इंप्लीमेंट किया गया है लिंक लिस्ट। पहला जो अपना ऑपरेशन है वो है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन के अंदर में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरा एक स्टैक है और इस स्टैक में हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। अब वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, हम लोग पहले ही बता दिए कि हम लोग इंसर्शन और डिलीशन फ्रंट एंड से करेंगे, तो मतलब टॉप मेरा इसको पॉइंट कर रहा है और मेरा इंसर्ट मतलब पुश का ऑपरेशन मेरा यहाँ पर होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक नया नोड हमको पुश करना है, तो हम लोग मान लिए कि ये एक नया नोड हम लोग ने क्रिएट कर लिया। क्लियर है? ये एक मेरे पास एक नया नोड आ गया। अब इस नोड का कभी भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो इसको NN में हम लोग इसका वैल्यू स्टोर कराते हैं। हम लोग मांग कर चल रहे हैं कि ये मेरा NN है और NN के पास इसका एड्रेस है। इसका एड्रेस एज्यूम करके चल रहे हैं, मांग कर चलिए इसका एड्रेस है 400। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास कितना वैल्यूज होगा, ऑब्वियस है 400। ठीक है, इसके पास 400 वैल्यूज है। अब हमको इस नोड को कहीं ना कहीं पर इस लिस्ट के आगे में इंसर्ट कराना है इस जगह पर, तो मतलब क्या हो गया, ये नोड किसका एड्रेस को स्टोर करेगा, जो अभी पहला नोड था उसका, मतलब ये जो 100 वैल्यूज है कहां पर होना चाहिए, यहां पर। इसका मतलब क्या हो गया, ये नया जो नोड है मेरा NN के लिंक में किसका वैल्यू होना चाहिए था, इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ पर था, टॉप के पास। तो ये टॉप का वैल्यू मेरे पास कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है?
जैसे 100 किए तो इसका मतलब क्या होगा, जिसको पॉइंट करने लग गया। इसके लिए हम लोग ऑपरेशन क्या लिखे, NN के लिंक में क्या डाले, टॉप का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर वही पहला ऑपरेशन लिख रहे हैं, NN के लिंक में हम क्या किए, टॉप का वैल्यू डाल दिए। अब ये लिस्ट तो पहला लिस्ट तो बन गया, लेकिन अब इसका एड्रेस किसके पास होना चाहिए था, यहाँ पर टॉप के पास, मतलब टॉप में अब क्या होना चाहिए, NN का वैल्यू। तो ये 100 के बदले अब क्या हो जाएगा, 400। अगर ये 400 कर देंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये इसको पॉइंट नहीं करके किसको पॉइंट करे, इस वाले नोट को पॉइंट करे। इसके लिए हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ये टॉप के वैल्यू उसको हम लोग क्या करेंगे, NN के वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो असाइन कर दिया तो क्या हो गया, टॉप में NN का वैल्यू को असाइन किए तो टॉप में NN का वैल्यू चला गया, जिसको लिंक करने लग गया। ये हमारा पुश का ऑपरेशन। इसमें क्या हो गया कि हम लोग का पहला नोट जो वाला आराम से इस लिस्ट के आगे में इंसर्ट हो गया। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं पुश पॉप का ऑपरेशन। पॉप का ऑपरेशन को देखते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं पॉप का ऑपरेशन, अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं नए नोट को इस लोकेशन पर, तो ऑब्वियस है डिलीट भी मेरा इसी से होगा। मतलब अगर पुश मेरा यहां से हुआ है तो पॉप भी मेरा यहीं से होगा। तो पॉप को यहां से करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, जे स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट किसको पॉइंट करना होगा, इसको, और जे वाले नोट को हमको क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि जे वाला नोट को, इस नोट का जो टॉप का जो वैल्यू था, टॉप का वैल्यू अब किसको पॉइंट कर ले, इस वाले नोट को पॉइंट कर ले। इस वाले नोट को पॉइंट करने का मतलब क्या हो गया कि 200 एड्रेस यहाँ पर आना चाहिए। 200 का एड्रेस किसके पास है, टॉप के लिंक के पास है। तो ये टॉप का जो लिंक का जो वैल्यू है, तो टॉप का लिंक का वैल्यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 200 कर देंगे। जैसे इसको 200 करेंगे, जे इसको पॉइंट करने लग जाएगा। क्लियर है। तो जे इसको काम कर लेगा। अब इसको फ्री करने का कंसेप्ट आएगा। हम इसको जब फ्री करना चाहेंगे तो इसका एड्रेस अब किसके पास स्टोर है, यहाँ पर तो 200 हो गया, और यहाँ पर तो इसके पास है नहीं पीछे वाले का नोट का एड्रेस, तो ये मेरा लॉस्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जे असाइन करने से पहले क्या करेंगे, इस नोट का जो एड्रेस होगा, इस नोट का एड्रेस को हम लोग किसी एक पॉइंटर में स्टोर करा देंगे। तो ये पॉइंटर हम लोग लेकर रखेंगे टेम्प नाम का, टेम्प नाम का पॉइंटर में लेकर हम लोग उसका वैल्यू को असाइन करा देंगे। तो हम लोग क्या किए, टेम्प में टॉप का वैल्यू डाल दिए, तो टेम्प मेरा एक नया पॉइंटर आ गया। मानकर चले जी मेरा टेम्प है, टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लिए, ठीक है। और इस टेम्प के नाम के वेरिएबल में हम क्या किए, ये 200 को डाल दिए, तो ये टेम्प इसको पॉइंट करने लग गया। अब अपना काम क्या होगा, टॉप पर का इसको आगे असाइन करा देंगे। तो हम लोग इसको असाइन करा दिए, तो असाइन करने का क्या तरीका हो गया, टॉप इक्वल टू टैप पर आगे की ओर बढ़ा दिए। अब हमको इसको फ्री करना होगा, इसको फ्री करने के लिए क्या कर दिए, टैप पर फ्री। ये तो हो गया जब मेरे पास एक नोट था, एटलीस्ट एक नोट था उसको फ्री कराने के लिए। जब मेरे पास एक भी नोट नहीं होगा और हमको बोला जाएगा आगे से नोट डिलीट करने के लिए, तो वही कंडीशन आएगा, अगर नो नोट है इसका मतलब क्या होगा, टॉप में क्या होगा, नल। जब टॉप में नल होगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन अंडरफ्लो, अंडरफ्लो कंडीशन दिखाकर हम लोग। ये था हमारा पॉप का ऑपरेशंस। अब देखते हैं पीक का ऑपरेशन, पीक का ऑपरेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो पीक का जो ऑपरेशन है, इसको हम लोग टॉप का ऑपरेशन भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम टॉप ऑपरेशंस भी होता है, इसलिए याद रखेंगे, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। अब ये ऑपरेशन, इसका पीक क्या बोलता है कि जो मेरा लिस्ट है उसमें टॉप मोस्ट जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो टॉप मोस्ट मतलब जो पहला नोड होगा उसका वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। अगर एक भी नोड नहीं और डिस्प्ले क्या कराएगा, कुछ नहीं कराएगा। तो मतलब क्या हो गया, अगर टॉप में मेरा नल होगा तो डिस्प्ले तो कुछ कराएगा नहीं। तो उस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, अगर टॉप में मेरा नल होगा तो बता देगा नो वैल्यू और यहां से रिटर्न करेगा। सेकंड चीज क्या है, अगर मेरा टॉप में मान कर चलिए कि नल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई तो नोड है, जो नोड होगा उसका इन्फो वाला पार्ट, मतलब जे वाला पार्ट को हमको डिस्प्ले कराना होगा। तो जे वाला डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, टॉप का इन्फो को हम लोग। ये हमारा पिक का ऑपरेशन। इस पिक के ऑपरेशन से हम लोग क्या करेंगे, टॉप मोस्ट जो वैल्यू होता है उसको हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। प्रोग्रामिंग में हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम लोग जो प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे वो अभी तक हम लोग सी लैंग्वेज का यूज करते आए हैं, टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर में हम लोग काम करते हैं। तो वैसे ही आज हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर में यूजिंग अ सी लैंग्वेज हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग में किस तरीके से अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग का काम क्या हो जाएगा कि हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्ट हम लोग क्या ले लेते हैं, स्टैक नाम का एक ले लेते हैं, ठीक है। और स्टैक के अंदर में हम लोग क्या आ जाएगा, दो पार्ट आ जाएगा। सहूलियत के लिए हम लोग इन्फो वाला पार्ट इंटीजर ही लेते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट स्टैक
स्टार लिंक, पॉइंटर वाला पार्ट ले लिए। अब तीन जो फंक्शन आएंगे, तीनों फंक्शंस को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग तीनों फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए क्या है कि जो जैसे लिंक लिस्ट में करके रखे थे उसी तरीके से करते हैं। void push होगा एक फंक्शन जिसके अंदर में struct node start start टॉप का एड्रेस हम लोग पास करेंगे, ठीक है, और जो वैल्यू उसको हमको इंसर्ट करना है उसको इंसर्ट करेंगे। दूसरा आ जाएगा पॉप का, पॉप में खाली टॉप का वैल्यू को पास करेंगे। और तीसरा क्या आ जाएगा, void pick, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा नोड, ये सिर्फ डिस्प्ले कराएगा तो उसका टॉप का एड्रेस तो पास नहीं करेंगे, तो हम लोग खाली टॉप को पास करेंगे। चलिए ये सब सारा जो है हम लोग लिंक लिस्ट में यूज किए हुए हैं, तो जिसको भी जो दिक्कत है पहले लिंक लिस्ट में जाकर एक बार देख लेंगे तो काफी अच्छी समझ में आ जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अब इस जगह पर क्या है, हम लोग के पास दो ऑफ वेरिएबल आ जाएगा opt और दूसरा आ जाएगा वैल नाम का, और साथ में क्या हो गया स्ट्रक स्टैक, हम लोग यहाँ पर स्टैक लेकर रखे थे, हम लोग इसको नोड ही ले लेते हैं। struct node start top equals to, अभी कोई भी नोड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, null, क्लियर है। और उसके बाद फिर क्या था, वहां पर do while लूप लगाए थे पिछले प्रोग्राम से, हम लोग while लूप लगा रहे हैं तो अब while लूप लेकर चलते हैं। यहाँ पहला क्या हो जाएगा, printf plus n press 1 to push, press 2 pop, printf /n press 3 to peak, और फिर यहां पर थोड़ा सा स्मॉल में होगा, स्लैश एन प्रेस 0 टू एग्जिट, यही ऑप्शन आएंगे। ये सारे ऑप्शन को हम लोग लिख लिए। अब यूजर से मांगते हैं प्रिंटएफ स्लैश एन इंटर योर ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिया उसको स्कैन एफ करके कौन से वेरिएबल में डाल दिए, एम्परसेंट ओपीटी में। ऑप्शन हम लोग पहले से ऊपर से एक वेरिएबल ले चुके हैं, अब इस ओपीटी के ऊपर में हम लोग का स्विच केस लगेगा। स्विच किस पर लगेगा, ओपीटी पर। यहां पर इसे कौन कौन से केसेस आ जाएंगे, पहला तो केस आ गया वन, तो वन में तो पुश करना है तो पहले वैल्यू के लिए यूजर से वैल्यू ले लेते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर अ वैल्यू, स्कैन परसेंट डी एम परसेंट वैल, इसके लिए भी ऊपर में हम लोग वेरिएबल ले लिए हैं। अब यहां पर पुश वाले फंक्शन को कॉल कराते हैं। पुश वाले फंक्शन में पहले हम लोग क्या किए, एड्रेस ऑफ टॉप को पास किए और दूसरा चीज वैल को पास किए। यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेक। दूसरा केस क्या आ जाएगा, केस टू, हम लोग क्या करना है, पॉप, पॉप के लिए सीधा सीधी पॉप को किए और एड्रेस ऑफ टॉप को पास किया, क्लियर है। यहां पर क्या हो गया, ब्रेक। नेक्स्ट केस थ्री,
ये क्या हो जाएगा पीक, मतलब खाली ऊपर वाले वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है तो पीक वाले फंक्शन में सिर्फ टॉप को पास करेंगे। यहां पर हम क्या कर दिए ब्रेक, क्लियर है। एक और ऑप्शन रह गया केस जीरो एग्जिट करने के लिए, जी हम लोग का सारा ऑप्शन आ गया। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि प्रोग्राम बनाएंगे एक एक करके। पहला तो क्या हो गया void push struct node star star top comma int val। यहां पर नया नोट लेना है struct node star nn equals to struct node स्टार malloc साइज ऑफ struct node। ठीक है, नया नोड क्रिएट हो गया। अंडरफ्लो वाला कंडीशन लगा लेते हैं, इफ एन एन इक्वल्स टू नल है, मतलब रैम के पास ही स्पेस नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्रिंट एफ स्लैश एन ओवरफ्लो, और यहां से क्या हो जाएगा रिटर्न, एल्स एल्स में पहला काम क्या हो जाएगा कि एन एन के इन्फो वाले पार्ट में वैल को डाल देते हैं, क्लियर है। जब यहां पर रिटर्न कर दिए हैं तो हम लोग को एल्स लिखने का काम ही नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में तभी आएगा जब ये नल नहीं होगा। तो हम लोग अच्छे से डिस्प्ले कराने के लिए इस तरीके से कर देते हैं, इन्फो वाला पार्ट कर दिए। नेक्स्ट क्या हो गया एन एन के लिंक में क्या हो जाएगा टॉप का वैल्यू, मतलब स्टार्ट टी का वैल्यू, और फिर स्टार्ट टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन एन का वैल्यू, क्लियर है। ये तो हो गया हम लोग का क्या पुश वाला फंक्शन। अब पॉप वाला फंक्शन के लिए void pop struct node star star t, हम लोग इसमें एक नया वेरिएबल लिए थे, वेरिएबल बोलते हैं पॉइंटर लिए थे, टेम्प के नाम से, और उसमें हम लोग क्या किए थे कि स्टार्ट के वैल्यूज को स्टोर करा दिए थे, और फिर क्या किए स्टार्ट टी इक्वल्स टू स्टार्ट टी का लिंक वाला पार्ट, क्लियर है। और फिर फ्री किसको करा दिए थे टेम्प वाले पार्ट को, अपना काम हो गया पुश वाला काम, अब पुश उल्टे पॉप वाला काम। अब एक और है पीक, यहां पर हम लोग क्या करेंगे पहले तो कंडीशन चेक करेंगे। अच्छा, पॉप वाले काम में हम लोग एक चीज नहीं किए हैं, अगर नोड है ही नहीं तो एक वैलिडेशन देना भूल गए हैं, इफ स्टार्ट टी इक्वल्स टू नल है तो यहां पर प्रिंट क्या कर देगा अंडरफ्लो और यहां से क्या होगा रिटर्न। सेम चीज यहां पर हम लोग क्या हो जाएगा अगर इफ करके हम लोग यहां पर लिख रहे हैं और स्टार्ट टी, मतलब यहां पर सिर्फ टी हो जाएगा क्योंकि पॉइंटर तो पास नहीं कर रहे हैं, इक्वल्स टू नल है तो हम लोग यहां पर क्या प्रिंट करा देंगे
नो वैल्यूज, नो वैल्यू, और यहां से क्या हो जाएगा रिटर्न। और अगर वैसा नहीं है तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, परसेंट डी किसका वैल्यू हो जाएगा, ऊपर वाले टॉप वैल्यू का हो जाएगा। तो हम लोग टॉप वैल्यू करके लिख देते हैं, परसेंट डी। तो इसका वैल्यू कहां पर स्टोर होगा, टी के इन्फो वाले पार्ट में। क्लियर है, तो ये वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करा दिए। अब इसको पहले सेव कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। कुछ एरर आ गया है और stdlib होगा और हम लोग गलती से lib लिखा हुआ है। सेव कर लिए, तो एरर अभी दिखा रहा है। स्टैक कहीं पर लिए हैं क्या, सब जगह से तो हटा दिए। और यहां पर पॉइंटर में नोड लिखाएगा, अब फिर कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं, कोई चलिए रन कराते हैं। पहले वन डाले, वैल्यू पुट किए 12, डिस्प्ले कराते हैं ऊपर में 12 मिला। फिर वन डाले, वैल्यू डाले 11, डिस्प्ले कराते हैं तो 11 मिला। अब पोस्ट पॉप करते हैं, 2 किए पॉप हो गया होगा, डिस्प्ले कराते हैं तो ऊपर से 11 गायब हो गया और सिर्फ 12 दिखाएगा, टॉप वैल्यू 12 दिखा रहा है। फिर पॉप किए, अब डिस्प्ले कराकर पिक करके देखते हैं तो नो वैल्यू। ऑब्वियस दो बार इंसर्ट किए थे, दोनों बार पॉप कर दिए तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। मतलब पुश और पॉप और पिक तीनों फंक्शन लोग सही से काम कर रहा है। अब 0 मारकर हम लोग एग्जिट होते हैं। जेटा हम लोग का स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू। फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी स्टैक के बहुत सारी चीज को देखेंगे, एप्लीकेशन सब चेक करेंगे। तब तक के लिए इनको।